हेलो एवरीवन, सीएपीएफ को टारगेट करते हुए हम 10 क्वेश्चन ले आते हैं। आज है 3 अप्रैल 2021 और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट मैच बताना है। यहाँ पर कुछ रिवोल्ट और उनके लीडर्स दिए गए हैं। पागलपंथी रिवोल्ट, करम शाह, फरेजी रिवोल्ट, हाजी सरयत अल्लाह, मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा, ये तो सही है, भील अपराइजिंग, चितूर सिंह। दी गलत है, भील अपराइजिंग के लीडर चितूर सिंह नहीं थे। फिर कौन थे? द अपराइजिंग टू प्लेस इन खंदेश रीजन ऑफ महाराष्ट्र अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवाराम। हम तो पिछली बार हमने बात की थी, इसके लीडर सेवाराम थे। फिर चितूर सिंह किस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे? तो ये कर रहे थे रमोशी अपराइजिंग। द रमोशी हु सर्व्ड इन द लोअर रैंक्स ऑफ मराठा आर्मी रिवोल्टेड इन सतारा, ये भी महाराष्ट्र में है, इन 1822 अंडर द लीडरशिप ऑफ चितूर सिंह इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट हैवी असेंटमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू एंड हार्श मेथड ऑफ इट्स कलेक्शन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक कितनी थी? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाई जाती है, इसमें इंडिया की रैंक थी इस बार 140वीं रैंक थी, जो कि बहुत ख़राब है। इंडिया हैज स्लिप्ड 28 प्लेसेज टू रैंक 140th अमंग 156 कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, बिकमिंग द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में तीसरा सबसे बुरा परफॉर्मर बन चुका है इंडिया। बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, इसको चेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर आरबीआई गवर्नर? एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को चेयर करते हैं हमारे आरबीआई गवर्नर। ठीक है, अभी आरबीआई गवर्नर कौन है आप बताएं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 45ZB, ये किसका सेक्शन है? आरबीआई एक्ट 1934। ओके, डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। तो ये कमेटी ही इन्फ्लेशन टारगेट कितना रहना चाहिए ये तय करती है। 5 साल में एक बार ये काम करते हैं। आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी लेड बाय देन डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल इन 2014 रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो एमपीसी को बनाने को किसने रिकमेंड किया था? तो ये किया था उर्जित पटेल कमेटी ने। ठीक है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं एमपीसी के। लाइसोसोम इज ए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कंटेनिंग एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल पॉलीमर्स। ठीक है, लाइसोसोम फंक्शन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है सेल का, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? तो इसको सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि इसके एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल्स को, इट्स एंजाइम डाइजेस्ट द सेल इट्सेल्फ। ठीक है, तो सेल को ही ये कंज्यूम कर लेते हैं। लाइसोसोम्स आर नाउन एज सुसाइड बैग्स बिकॉज ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन लाइटिक एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स एंड अनवांटेड मटेरियल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट सिटी कौन सी थी जो एक्सकवेटेड की गई? तो ये की गई हड़प्पा, इसीलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हड़प्पा इन द पंजाब रीजन एंड देन इन उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो नियर द इंडस रिवर इन द सिंध पाकिस्तान। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड और थ्रो ऑफ सी वेव इज कॉल्ड। तो वेव हमने देखी है, उसकी क्रेस्ट या थ्रो के बीच डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या है? अगर हम ये वेव बनाएं
तो यहाँ से यहाँ तक वेव लेंथ हो जाएगी और ये वेव हाइट हो जाएगी, ये क्रेस्ट है और ये रो। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन किससे बने होते हैं? केवल डीएनए से, डीएनए प्रोटीन से, या फिर डीएनए एंड आरएनए से? तो ये बना, यूकैरियोटिक क्रोमैटिन बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। क्रोमैटिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट फॉर्म्स क्रोमोजोम्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। बताना है कि तोमान, जो कि न्यूज में थी, इज अ न्यूली प्रपोज्ड करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री ने प्रपोज किया है कि तोमान करेंसी चलाएंगे? तो ये किया है ईरान ने। 2017 से वैल्यू ईरानियन करेंसी की काफ़ी गिर गई क्योंकि यूएस ने सैंक्शन अलग अलग लगाए हुए थे, विच लेड टू ह्यूज इन्फ्लेशन एंड रिजल्टेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। ओके, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, पार्लियामेंट ऑफ ईरान हैज पास्ड ए बिल टू अलाउ गवर्नमेंट टू चेंज द नेशनल करेंसी फ्रॉम रियाल टू तोमान। द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI, जो कि न्यूज में है, इज रिलेटेड टू 3 कंट्रीज, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ चाइना, 3 कंट्रीज, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, हैव बिगन डिस्कशन टू लॉन्च ए ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है, तो चाइना पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए 3 कंट्रीज सामने आए हैं, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। लास्ट क्वेश्चन, इन द नासिक इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एक बमना। ठीक है, एक बमना किसको डिस्क्राइब किया गया है? ये किया गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। इन द नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी पुत्र सतकर्णी इज डिस्क्राइब्ड एज एक बमना। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।